प्रेम से बोली सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है वाणी। परम प्रभु जल्दी ही सतयुग आएगा, सतपुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों का न खोल कर सुन लो, पापियों का न खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। लेकिन चांद जब उस तरह से वर मिला आ तल भी चादर नहीं हुआ, ये तो और आफत हो गया। ठीक है, पंडित जी गरीब थे, लेकिन राजा बनकर के राज भोग ही में खत्म होकर के आ कुछ नहीं व्यवस्था कर सके, ये तो धोरा दुख हो गया। आप MBBS कर ले, MD कर ले, FRCH कर ले, आ घरों में बैठ जाए, कहीं दुकान न खोले, कहीं नौकरी न खोजे, बैठ गए घर में तो अनपुर रहते तो थोड़ा काम चल जाता, वो डिग्री आपके लिए और आफत कर देगी। इस तरह से आप लोग तो समझते हैं कि क्या हो गया, लतन बच्चों को देखना, तिरहियो देखना, तिरहुओ देखना, आप लोग को ऐसा लग रहा है। लेकिन उसमें क्या है, जब सुभाष चंद्र बोस ICS कंप्लीट किए, उस समय इस समय IAS है, इसी तरह उस समय ICS था, और जब उसको रिजाइन दिए कंप्लीट करके, पहले तो उसमें जाना ही नहीं चाहते थे, भागने नहीं चाहते थे, मना कर दिए। उनके पिताजी कहे कि तुम, इसलिए उनका मतलब था कि हम इस अंग्रेज गवर्नमेंट के हम गुलाम बन करके काम करेंगे, इन गोरों के हम गुलाम होकर नौकरी करेंगे, चाहे वो कलेक्टर ही क्यों ना करना हो, कमिश्नरी के कमिश्नरी क्यों ना बनना हो, हम इन गोरों के गुलाम होकर रहेंगे, हम कोई नौकरी नहीं करेंगे, हमको कोई कंपटीशन नहीं चाहिए। यह इस संकल्प से तो वो भाग भाग चले आए। पिताजी ने कहा उनका कि अरे तुम नौकरी नहीं करोगे, गोरु के नाम पर नहीं आए हो, तुम पर भरोसा नहीं था कि तुम उसमें पास हो जाओ, शरीक हो जाओ। लेकिन पिताजी ऐसा नहीं है, पास होने में शरीक होने में हमको शंका संदेह नहीं है, कहीं तो फिर हो, कहीं तो होंगे, गए और उसमें भाग लिए और उसमें शायद टॉप किए थे और रिजाइन दे दिए। उन पर कार्रवाई करने की बारी आ गई कि सर्वोच्च पद की मर्यादा का अवमानना किया इन्होंने। तो इस तरह से जो है, हम लोग तो जानकर के पाकर के लेकर के बैठ जाए, लेकिन दो प्रयोजन तो है ना हमारा, एक प्रयोजन आपके जीव का उद्धार, आपके जीव को मोक्ष, आपके जीव को मुक्ति और अमरता। इस प्रयोजन से हम रात दिन जो यहां बैठ करके आपको डील करने में लगे हैं, आपको भी बैठा करके, अपने भी बैठ करके रात दिन समझाने बुझाने में लगे हैं, रात दिन आपको उधर उन्मुख करने में, उत्प्रेरित करने में, जिज्ञासु बनाने में, श्रद्धालु बनाने में, भगवत भाव में लाने में, ज्ञान का पात्र बनाने में रात दिन एक किया जा रहा है, और तभी तो आप सही समुचित लाभ मोक्ष का न पावे तो थोड़ा सा हम लोग को भी तकलीफ होगा ना। सही दिशा में आप सही समुचित लाभ न पावे
तो जब भी हम लोग जो थोड़ा भाव में जुड़ रहे हैं, आप यहाँ बैठ रहे हैं, आपके सद्भाव से हम भी अपने को जुड़ा महसूस कर रहे हैं, हमसे सद्भाव आप सबको महसूस हो रहा हो ना हो रहा हो, ये सच है। ये आप सब जब यहाँ बैठना शुरू कर दिए तो हम लोग को लगता है कि संस्कार है, सद्भाव है, जिज्ञासा है, श्रद्धा है, किसी में कोई खास उच्छृंखलता भी नहीं मिल रही है। आप सब आते हैं, किस तरह से बैठते हैं, कोई चाटुकारिता नहीं है, कितने शिष्टता से बैठते हैं, सुनते हैं, अंतिम तक सुनते हैं। हम लोग इसी को महसूस करते हैं कि आप सब जो है किस तरह से शांति श्रद्धा से सुनते हैं। अब आप सब की शांति श्रद्धा जिज्ञासा हम लोग के अंदर एक थोड़ा अपनत्व तो कायम करती है कि हम लोग कैसे आपको किस तरह से आपको भारत ज्ञान से कोई जरूरत नहीं था दो दिन कार्यक्रम बढ़ाने के लिए, हमारे लिए कोई जरूरी नहीं था। वो तो आज आज हुआ है, अभी से घंटा में हम उस स्थिति में लेकर बनाने पहुंचा दे। कल अभी सत्संग के लिए हमारा रिजर्व था 2 तारीख तक, लेकिन नहीं कहे लो 2 दिन बढ़ाने के लिए। हमको भी लगा कि हर चीजें इस तरह से जानकारी समझदारी के लिए स्पष्ट करके रखा जाए कि किसी को भी किसी भी कोने से ऐसा कोई गलत फहमी न आने पावे और बाद में प्रायश्चित पछतावा हाथ न लगे, पछतावा प्रायश्चित हाथ न लगे। तो इन बातों को लेकर के 2 दिन का प्रस्ताव आया, हम स्वीकार कर ले, ठीक है, कहा जाए 2 दिन और सुना देंगे, 2 दिन और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। ये कोई खास जरूरत नहीं था, कोई खास जरूरी नहीं था। तो इस लेकिन हमको जो ये देख रहे हैं, शांति देख रहे हैं, जिज्ञासा देख रहे हैं, श्रद्धा देख रहे हैं, तो वक्ता को भी श्रद्धालु श्रोता मिलता है तो कोई ढेर परेशानी नहीं होती है, थोड़ी भाव जो है उदारता जो है आगे बढ़ जाती है। हमारे भी भाव कुछ इस टाइप के हो गए कि श्रद्धा तो मिली रही है, श्रद्धा तो मिली रही है, हमको एक कीमत तो मिल ही रहा है बोलने का। शेष रही बात ज्ञान लेंगे, उधार पाएंगे, ये बात आगे कि नहीं भगवान जाने। तो अब हम लोग जो है उस 2 दिन को जोड़ करके आगे बढ़ना शुरू किए। सब मिलाकर के आप दिग भ्रमित ही हो जाए, आप भ्रम के शिकार हो जाए, किसी शैतानी वृत्ति के शिकार हो जाए, विकृति दिखाई देने लगे, माया के शिकार हो जाए, लोभ लालच और ममता मोह जो है घसीट करके किनार कर दे, फिर तो उपलब्धि से वंचित रह गए ना। जब आप सुने जानेंगे कि महाराज ने किसी से 10 गुरुपे लेकर के नहीं गए हैं, 5 गुरुपे लेकर के नहीं गए हैं, 10 को पैसा लेकर के किसी से मांगे नहीं, लगाए नहीं है लेकर के, उस समय आप क्या सोचेंगे, दर्शन कराए हैं जीव का, ईश्वर का, परमेश्वर का सब जनाए हैं, दिखाए हैं, अनुभूति कराए हैं, बोध कराए हैं मुक्ति अमरता का, जिस दुनिया के जिस किसी ग्रंथ से प्रमाण खोजे दिए हैं, फिर कर दिए हैं, आप कहीं जांच कर लें, ऐसा ज्ञान दिए हैं जिसमें हमको चुनौती देने की कैपेसिटी क्षमता शक्ति आ गई, पूरे धरती पर भूमंडल को चुनौती देने की क्षमता शक्ति आ गई, जो तुलसीदास, सूरदास, नानक देव, चाहे ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, एक फिर पैगंबर, प्रॉफेट, अंसा अवतारी, गुरु, सदगुरु, महात्मा, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और आदि मौलिया, पीर, पैगंबर, प्रॉफेट दिखलाई दे रहे थे, इतने उच्च दिखलाई दे रहे थे हम लोगों से, इतने उच्च दिखलाई दे रहे थे, ऐसा ज्ञान मिला कि एकाएक सब के सब धराशायी होकर के नीचे बच्चा जैसे दिखाई देने लगे, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र सब बच्चा जैसे दिखाई देने लगे। ऐसा ज्ञान मिला कि सूर, तुलसी, सोचिए ना क्या क्षमता शक्ति है आपको, तुलसी की गलती छाटने के लिए, महावीर, जैन महावीर की गलती निकालने के लिए, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब की गलती छाटने के लिए, कौन है,
कुरान में वेद में बाइबल में उपनिषद में जहां जहां गलतियां और किसी तरह से उसमें प्रविष्ट है उसको पकड़ने की क्षमता जो है इस 10-12-14 दिन के ज्ञान में होता है। व्यास कहां कहां गलती किए हैं गीता में पुराण में, कहां मनमाना घुसेड़ दिए हैं, कहां उल जुलूल गलत लिख दिए हैं, आपको सीधे दिखाई देने लगेगा। आप बोलेंगे बगल वाला कहेगा बहुत बड़का बन रहा है विद्वान, व्यास जी से बड़का विद्वान हो गया है। अजीब स्थिति है। आप समझाएंगे कि हम सच बोल रहे हैं भैया, हम देखे हम सच बोल रहे हैं, यहां व्यास जी गलती लिखा है। आपकी भी दृष्टि आज वही है व्यास जी के प्रति, अंश अवतारी की भगवान के 24 अवतार के एक अंश अवतारी व्यास जी है। आपको भी व्यास जी की वही ऊंचाई दिखाई दे रही है और ये कब तक दिखाई देगी? 10 तारीख तक। 10 तारीख को जब ज्ञान दृष्टि से आप गुजरेंगे तो व्यास जी की कहां कहां गलतियां गीता और पुराण में है सब ऐसे ही दिखाई देने लगेंगी। जब आप बोले आपके लिए तो व्यास बच्चा हो गए ज्ञान के सामने, लेकिन उनके लिए जो समाज में है उनके लिए तो व्यास तो ही है ना अंशावतारी। आपके लिए तो शंकर जी का उपदेश निकालेंगे, शंकर जी यहां गलत कर गए, यहां ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये उपदेश इनका गलत है। आप तो बोलेंगे ज्ञान से गुजरे हैं सच बात, लेकिन जो बगल वाले जो लोग सुनने वाले होंगे उनके दिल दिमाग में शंकर जी क्या है, महादेव है, महेश है, जगदीश है, उनको ये सब टाइटल मिली हुई है, शंकर जी है, शिव शक्ति है। आपको भी आज ऐसा ही दिखाई दे रहा है और लोगों को भी वैसा ही दिखाई दिया है, ऐसी धारणा बन चुकी है। लेकिन जब ज्ञान से गुजरेंगे वही शंकर जी बच्चा दिखाई देने लगेंगे, उसी उन्हीं का उपदेश कहां गलत है कहां क्या नहीं कहना चाहिए था जब आप बोलेंगे तो बगल वाला कहेगा है अभी शंकर जी से बड़का बन गए। अहंकारी कहेंगे झूठे बोलता है, शंकर जी से ही बड़का हो गए। सवाल उठता है कि ज्ञान की देर ज्ञान की महत्ता ऐसी ही है। तुलसी की गलती कुरान में कहां मिस्टेक हुआ है, मोहम्मद साहब कहां मिसिंग कर गए, ईसा मसीह कहां गलती किए, ये सब आपके सामने होने लगेगा। इस समय जो हम बोल रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि वाह ऐसा हो जाएगा, इतने उच्च नानक देव तुलसी कबीर यानी ईसा मसीह जैन महावीर और पैगंबर प्रॉफिट छाटते हुए इन सभी संत महात्माओं की निंदा कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उपनिषद में दिखाई देने लगेगा कि श्वेतास्तर जी कितनी बड़ी बड़ी गलती उपनिषद में कर दिए है, समाज दिग्भ्रमित होकर के बर्बाद हो रहा है। यह जो बोलेगा अब देखने उपनिषदों में गलती काटने लगा, उपनिषदों में गलती बताने लगा, उसी का प्रमाण वही है। तो इसमें न तो हमारा अहंकार है, न तो हमारा इसमें कोई महत्वाकांक्षा है कि हम ऐसा बोल करके सब लोगों को कमी दिखा करके नीचा दिखा करके हम खूब बड़ा बड़प्पन हम हासिल कर लेंगे। क्या बड़प्पन मिलेगा? तत्वज्ञता से कोई बड़ा पोस्ट होता है क्या सृष्टि में? अब हमको कौन पोस्ट मिलेगा? किस पोस्ट की महत्वाकांक्षा में हम जो है किसी की निंदा किसी से बड़प्पन चाहने की बात करने लगेंगे? किस दुनिया का कोई ग्रंथ उठाएंगे तो तत्वता सर्वोच्च पोस्ट पर होता है, सृष्टि के इन ब्रह्मांड के सर्वोच्च पोस्ट है तत्वता का पोस्ट। हम किस प्रमोशन के लिए, किस प्रमोशन के लिए, किस प्रगति के लिए, किस उत्थान के लिए आपको हम इस भड़काएंगे ठक ठोक करेंगे क्या करेंगे? जहां परमेश्वर चुनौती दे करके जहां ईश्वर परमेश्वर दिखाया जाता है तो उसको थोड़ा सा आपके धन का लालच है, परमेश्वर से बढ़कर के धन है। माया कहाँ रहती है? जब सभी धनों की जो अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी वो परमेश्वर की दासी है, जहां परमेश्वर रहेगा कोनो रूप में इर्द गिर्द में उनको सेवा के लिए रहना ही है। जहां परमेश्वर रहेगा इर्द गिर्द में सेवा के रूप में रहना ही है। अब रही चीज कि हम लोग तो आपका समर्पण सागर
इसलिए कराते हैं। समर्पण सागर की क्या जरूरत है? आप बस तन है, हम बस तन नहीं है। आप बस मन है, आपके पास धन है, हम लोग ऐसे ही फकर के तरह से ऐसे घूम रहे हैं। नहीं, ये आपको गलत फहमी है। अपने लिए आपका तन, अपने लिए आपका मन धन समर्पण कराया जा रहा हो, ऐसे ही भी गलत फहमी है। इससे बढ़कर के आपकी और कोई भूल हो नहीं सकती, इससे बढ़कर के आपका और कोई भ्रम हो नहीं सकता। हम लोग आपके लिए आपका समर्पण कराना चाहते हैं, आपके लिए, केवल आपके लिए आपका समर्पण है। क्योंकि इसी तन मन धन में फंस करके आप जन्म जन्मांतर से बर्बाद हो गए हैं, आज भी बर्बाद हो रहे हैं। यह तन मन जो है आपको परमेश्वर के साथ टिकने नहीं देगा। यदि इसको हम हमार बना कर रखे रहे तो टिकने नहीं देगा। परमेश्वर में कोई न कोई भाव, कोई भरम, कोई विकृति, कोई कुछ न कुछ जो है दिखला करके, उलझल कर करा करके, आ फिर मन जो है आपको मरोड़ करके मनमाना चला करके, क्योंकि परमेश्वर के हम मनमाना नहीं हो पाएगा। परमेश्वर मन को काम नहीं रहने देगा यदि आप परमेश्वर के यहां रहेंगे तो। बुद्धि को खूब उड़ाइए, बुद्धि का प्रयोग कीजिए, परमेश्वर को कोई परेशानी नहीं है। बुद्धि का खूब प्रयोग कीजिए और परमेश्वर से भी ले लीजिए। परमेश्वर आपके शरीर को मन के अनुसार नहीं चलने देगा। परमेश्वर आपके शरीर को चाहेगा कि आप विवेक के अनुसार चलिए, आप अपने विवेक के अनुसार चलिए। विवेक आपका जो कह रहा है वो ठीक है, बुद्धि कर लीजिए। विवेक नहीं पकड़ रहे होंगे कि विवेक क्या चीज है, बुद्धि सही, छोड़िए विवेक को। विवेक बहुत परमेश्वर के कार्य करने का माध्यम है। बुद्धि तो कभी सरेंडर करने को नहीं कहा जा रहा है कि बुद्धि हमको सरेंडर कर दीजिए, मन कहा जा रहा है। क्यों? कि मन सैव कृते पापम शरीरम न कृते कृते, मन सैव कृते पापम शरीरम न कृते कृते, ये नैव लिंगता कांता ते नैव लिंगता सुखा। इस शरीर कोई पाप नहीं करती है, शरीर से कोई पाप नहीं किया जाता है, शरीर कोई पाप नहीं करती। सारे पाप के मूल में तो मन है, सारे पाप के मूल में तो मन है। आप अपने बगल में रिक्शा पर स्त्री को बैठा लीजिए, साली को बैठा लीजिए, तब आप देखिए अपने शरीर की हरकत को। और आप अपने बगल में लड़की बैठा लीजिए, अपने बहन बैठा लीजिए, चलते रहे, तब शरीर की हरकत को देख लीजिए। दोनों शरीर वही है, शरीर वही है, पत्नी के शरीर और बहन के शरीर में, शरीर में कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन पत्नी बैठी है, आपके शरीर का हरकत कुछ और रहेगा। वही बहन बैठी है, आपके शरीर का हरकत कुछ और रहेगा। शरीर तो शरीर ही है, लेकिन मन जो है, मन जो है वो दोनों के साथ व्यवहार बदल देगा। बहन के साथ व्यवहार कुछ और रहेगा और पत्नी के साथ व्यवहार कुछ और रहेगा। ये पाप जो शरीर से है, ये शरीर से नहीं होता है, मन कराता है। मन समर्पण का जो इसीलिए कारण है कि आपसे फिर भविष्य में कोई विकृति न हो, कोई बुराई न हो, कोई ऐसा कार्य न हो जिससे आप में समाज का कोई व्यक्ति जो है दोष देख सके, बुरा कह सके। आप जब परमेश्वर पा रहे हैं तो सत्पुरुषत्व का जीवन जिए, समाज मोक्ष तो आपके जीव को मिलेगा, वो तो सब लोग जल्दी देखेगा नहीं। देखेगा क्या? आपके जसकृति को, आपके व्यवहार को, आपके कार्यशैली को, आपके रहन सहन को। यदि परमेश्वर पाने के बाद आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपका रहन सहन महापुरुषत्व सत्पुरुषत्व का नहीं हुआ, तो फिर आपको मोक्ष मिल भी जाए तो कौन जानेगा दुनिया में? बार बार कौन आकर कहता रहेगा आपको मोक्ष मिल गया था, मोक्ष मिल गया था।
इस सर्वोत्तम जश कीर्ति के माध्यम से ही जो आप अपने को चल चल करके भगवकार करके जगह जगह जो आप अपने नाम जस को स्थापित करेंगे, इसी माध्यम से आपकी जस कृति कायम रहेगी। तो लोग जानेंगे कि अमुक नाम का एक व्यक्ति था, कैसा था भाई, अरे भगवत प्राप्त था, भगवत समर्पित भक्त सेवक था, वो तो भगवान में इतना लीन था कि अपने जीवन को अन्य जीवों के उद्धार में लगा दिया था। धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा के सामने वो अपने परिवार को कुछ नहीं समझा, अपने शरीर को कुछ नहीं समझा, वो तो केवल जीव उद्धार और जीवन सुधार में, समाज के उद्धार और सुधार में अपने जीवन को न्यौछावर कर दे, जीवन लगा दिया। ज्ञान का प्रचार, सत्य का प्रचार करने आप चलेंगे, भगवत धर्म का प्रचार करने जब आप निकलेंगे समाज में, तो सत्य ज्ञान भगवान जब भी प्रचारित करेंगे तो कोई किसी के माध्यम से ही उसका प्रचार होगा, तो उसके प्रचार करते करते प्रचार आपका होने लगेगा। उनका प्रचार करते करते क्या मिलेगा कि अरे भाई ये किस महात्मा है, एक आदमी आया है ना, वो एक आदमी आया है, अरे बड़ा ऊंचा ज्ञान रखा है भाई, वो श्री जीवेश्वर परमेश्वर के दर्शन की बात करता है। एक तो सूरदास लिख दिए पंक्ति कि हाथ छुड़ाए जात हो निवल जाने के मोही, आ हृदय से जब जाओगे तो सबल बखानू तो। सूरदास एक आदमी कुआं से कोई निकाल लिया और वो लिख दिए आज पढ़ रहे, अरे भाई सूरदास कृष्ण भगवान मिले थे, कृष्ण भगवान अब वहां कोई माथा पच्ची नहीं कर रहे हैं, अरे नहीं मिले होंगे, कोने देखे थे, सूर्य थे तो कहां जानेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं उठ रहा है आपके दिल दिमाग में। तुलसीदास कह दिए कि मुझे राम जी मिले थे, मुझे दर्शन में धनुष बाण कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन के साथ, तुलसी माथा तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। तो अब सवाल उठता है कि लिख दिए और तुलसी बाबा को तो धनुष बाण हाथ में लिए दिखलाई दिए थे, तुलसी बाबा को तो राम जी का दर्शन हो गया था, अब यहाँ कोई आपको माथा पच्ची करने के बाद लिख दिए कलाई कि चित्रकूट की घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसेंगे तिलक देत रघुवीर, अरे भाई तुलसीदास को तो भगवान जी ने राम जी ने यानी चंदन टीका किया था, तुलसी बाबा को तो राम जी ने चंदन टीका किया था। कभी आपने सोचा इसमें रहस्य क्या है, कहा हनुमान जी कहे कि चित्रकूट की घाट पर, कुछ तो तोता कहा, चूंकि राम जी का मिलन हो रहा है, राम जी का पहचान करने वाला वाक्य बोल रहा है तोता, तो चूंकि राम द्वारे तुम रखवारे हो तो राज्ञा बिनु पैसारे, यानी राम जी के द्वारपाल हनुमान जी और उनके इशारा के बिना कोई राम जी को नहीं जान पाएगा, तोता चूंकि राम जी को जनाने की बात बोल रहा है तो हो नहीं तोता नहीं है, इके भाई हनुमान जी है, हनुमान जी, हनुमान जी तोता के रूप में हो करके आप पेड़ पर बैठ करके कह रहे हैं। तुलसी बाबा तो भटक ही गए थे, भूल ही गए थे, क्या भूल गए थे, वहां राम लक्ष्मण थोड़े मिले थे, वहां राम लक्ष्मण थोड़े मिले, वहां दो ठो बालक आए, बालक दो ठाई, कहानी एक बार और पहले गुजर चुकी थी उनके सामने से। हनुमान जब भूत मिला था, शौच वाली प्रक्रिया कहानी थोड़ी लंबी है, भूत मिला तो बताया कि हनुमान जी वहां विश्वनाथ में रामायण होता है, हनुमान जी कोहनी के रूप में आकर के सुनते हैं, बैठ करके सबसे पहले आते हैं सबसे पीछे जाते हैं, वो भूत पता दिया हनुमान जी का, ये हनुमान जी को पकड़े जाकर के रामायण के बाद देखे कि सचमुच से वो कोढ़ी आया है, पहले आया है, दूर बैठा है, असव रामायण होने के बाद ही बाग में जा रहा है, सब लोग चले गए एकांत में पड़े, तो जाकर के तुलसी बाबा पकड़े उनको पैर, हाँ हाँ छी 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 हमको क्यों पकड़ रहा है, छू हटो हटो हटो, कहे नहीं नहीं हम पहचानते हैं, हम पहचानते हैं, पकड़े तो उस कोढ़ी को
कि नहीं हमको भगवान जी चाहिए भगवान चाहिए, वह बताया कि ठीक है तेरे को भगवान मिलेगा, मत घबराओ, तू कैसे हमको पहचान ले, ठीक है तेरे को भगवान मिलेगा, ऐसा करो कि जिस अस्सी में रहते हो ना वहां जंगल पर जा, वहां भगवान जी वही मिल जाएगा तेरे को। अपना हनुमान जी कुछ इशारा कहे सुने होंगे, भाव में अपनी बात आई। हनुमान जी एक दिन शौच पखाने के लिए जा रहे थे जंगल झा के तरफ, उसी में दो राजकुमार जो है सुंदर घोड़े पर चढ़ते हुए जाते हुए दिखाई दिए। एक तक देखते रह गए, ये भी कुछ नहीं सोच सके, क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, वो सब ओझल हो गए। बाद में अपना बड़े सुंदर है कोई राजकुमार युवराज जा रहे हैं, दो राजकुमार है, बाद में अपना आए अपने क्रियाकलाप से युक्त हो गए। बाद में यानी फिर एक दिन हनुमान जी जो है उनको आभास कराए कि क्यों दर्शन हो गया ना, तो कहाँ दर्शन हो गया, अरे दर्शन नहीं हुआ, तो कहाँ दर्शन हुआ, अरे दो राजकुमार घोड़े से नहीं जा रहे थे उस दिन, पहले वो वही थे, हम तो पहचाने नहीं, हम तो जाने नहीं, हमको एक बार जनाइए ना, पहचानवाइए ना, हम तो नहीं समझ पाए। अच्छा भैया फिर होगा, समझने की कोशिश तो करना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, फिर न स्थान बता रहे हैं न समय बता रहे हैं कब मिलेंगे। अब चित्रकूट के मेला की बात है, तुलसी बाबा गए हैं घाट पर स्नान करके आकर बैठे हैं अपना चंदन वगैरह लेकर के, दो बालक आ रहे हैं, अब चंदन घिस करके आने तुलसी बाबा को टिक रहे हैं, अपने में टिक रहे हैं, तुलसी बड़े सुंदर अतु बालक है, वो लुभा भी रहे हैं बालकों को देखकर के कि इतना सुंदर बालक जो है दो एक साथ और जा रहे हैं चंदन करके। वो जब चलने लगे हनुमान जी फिर देख रहे हैं तो नहीं पहचान रहा है, फिर तंग करेगा, फिर हमको परम प्रभु को ऐसा परेशान करना पड़ेगा। तब हनुमान जी हरि तोते के रूप में बोल रहे हैं कि चित्रकूट की घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे की तिलक देत रघुवीर, तो जिसका नाम कहीं से उच्चारित होगा तो उधर स्वाभाविक दृष्टि चली जाएगी, दृष्टि चल जाएगी तो वो बातें जो हुई है वो अपना खटका लगेगा। तो तुलसीदास चंदन घीचे तिलक दे तो रघुवीर आओ, तिलक देने वाले दोनों बालक तिलक देकर जा रहे हैं, तब तो दौड़ करके पकड़े प्रभु प्रभु, अरे हाँ क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो कहा राम लक्ष्मण मिले थे, दो बालक मिले थे, उनको राम लक्ष्मण के रूप में स्वीकार किया गया, क्यों कि तोता मिला था उनको हनुमान के रूप में स्वीकार किया गया। ऐसा ही है या गलत है आप लोग जान देख लीजिए, जान पढ़े ही जाने हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम ही इसको नया कह रहे हो, ये हमारी कहानी तो है नहीं, हम ही यदि बनाकर कह रहे हो ऐसा भी नहीं है, शायद आप पढ़े भी होंगे सुने भी होंगे तो ऐसा ही पढ़े सुने होंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, तो अब रही चीज है कि लक्षण के माध्यम से पहचान का मुख्य चीज लक्षण है, लक्षण भी है। अब उसमें राम जी लीला कार्य के लिए अवतार तो लिए नहीं थे, निमित्त विशेष से भावनात्मक भाव, वो भावनात्मक कहा जाए निमित्त कहा जाए, अब तो तुलसी बाबा लिख दिए, वो आप मान लिए, कोई प्रश्न नहीं कोई शंका नहीं। अब तुलसी बाबा राम पाए थे, तुलसी बाबा तो भगवान पाए थे, अब ये सब होने लगा, देख लीजिए अपना कहानी उसमें जुड़ गई, तुलसीदास के वो राम जी का ड्यूटी वाला पहरा वाला भी उसमें ड्यूटी जुड़ गई, नानात्र की वो मान लिए, सूरदास सिंह जो कह दिए मान लिए, तुलसी बाबा एक दो बार के कह दिए मान लिए, वो लिख दिए ब्यास जी की माँ जो सोदा जो है मिट्टी खाए थे मारी मुंह में, देखने लगे क्या विराट, मान लिया, वहां कोई प्रश्न नहीं है। कौशल्या जी हंसने में मुंह में विराट देख लिया, अगर इतना विषय शिव चतुरानन और कौन कौन जी कह करके कौन महिखानन का सब देख रहे हैं सारा ब्रह्मांड, अभी एक बार प्रश्न नहीं उठा रहे हैं कि मुंह में इशारा महिखानन अगणित चतुरानन अगणित, ये खाली मुंह में कैसे दिखाई दे दी, एक सूर्य के गुरु बराबर मुंह होगा इका होगा कितना बड़ा मुंह होगा सब दिखाई दे रहा है। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा,
सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा।